जब रामपुर के लिए अपने सफर की शुरुआत की, क्या कहा, क्या कहा? भाजपा के कैंडिडेट ने कहा कि मैं दानों का वध करने के लिए जा रही हूं, मैं जिसने तुम्हारे बच्चों के लिए भीखे मांगकर स्कूल बनाया, जिसने तुम्हारे लाचार बच्चों के लिए एक अजीमुशान यूनिवर्सिटी बनाई, तुम्हारे चलने के लिए सड़कें बनाई, तुम्हारे पानी का इंतजाम करके पूरे जिले में सैकड़ों वाटर टैंक लगवाए, मैं कहना हूं मेरा वोट होगा, मुझे मारा जाएगा, मेरे शरीर से मेरा सर उतारा जाएगा। मैं कहना हूं भारतीय जनता पार्टी ने मेरा वोट करने के लिए भेजा, यह है मेरा गुनाह, मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारे लिए सोचता हूं, मैं तुम्हारे लिए जीता हूं। और यहां का जिला कलेक्टर और उसके साथ आए हुए तीन अफसर रामपुर को खून में नहाना चाहते हैं, क्या तुम्हें नहीं मालूम उर्दू दरवाजा खूनी दरवाजा बन गया? उर्दू दरवाजे को खूनी दरवाजा बनाने की साजिश है। यह दरवाजा सरकार के पैसे से बना था, तुम्हारी जेब के पैसे से ये बना था, कानून के तहत अगर इसे गिराया जाना था वो भी कानून के तहत गिराया जा सकता था, लेकिन कलेक्टर साहब आए और चौथे दिन आने के बाद उन्होंने पूरे कानून में दहलका और आतंक मचा दिया, दहशत मचा दी रहा। दहलका मचा दिया, गिरा दिया उर्दू गेट, यह सोचकर ये उर्दू से मोहब्बत करने वाले सड़कों पर निकल कर आएंगे और फिर राइफलें तनेंगे और सीने छलनी कर दिए जाएंगे, रामपुर को नहा दिया जाएगा। बताओ ये साजिश थी या नहीं थी? बताओ इसे हमने बर्दाश्त किया, बर्दाश्त किया हमने, गिरने दिया उर्दू गेट? अरे अरे जाहिल कलेक्टर, तुझसे डरेंगे हम? साजिश के शिकार मत हो, रामपुर का चुनाव बहुत खतरनाक है, रामपुर के अधिकारी यहां मुझे चुनाव हराने और मुझे मारने के लिए आए हैं, मेरी हत्या कराने के लिए, मेरे सारे लाइसेंस खारिज हो गए, मैं बिल्कुल नहीं आता हूं, मेरे परिवार के सारे लाइसेंस खारिज हो गए, मैं अकेला हूं, मुझे मारने के लिए मोदी सरकार, योगी सरकार और रामपुर का सारा प्रशासन मेरी हत्या के लिए साजिश रच रहा है। तय कर लो आप, ये हर तरह की बेईमानी करेंगे, ये मशीनों के साथ खिलवाड़ करेंगे, ये मशीनें गलत करेंगे, खराब करेंगे, बेईमानी करेंगे, चोरी करेंगे मशीनों के साथ। अगर इज्जत से जीना चाहते हो तो याद रखना, सरंगापट्टनम का मैदान, अगर इज्जत से जीना चाहते हो तो याद रखना, सरंगापट्टनम का मैदान था, टीपू सुल्तान का किला था, तमाम फौजी जमा थे, टीपू सुल्तान के साथ साजिश करने वाला मीरजापुर हमेशा भी मौजूद था। टीपू सुल्तान ने तकरीर करते हुए कहा, तुम सब जानते हो इस किले को चारों तरफ से अंग्रेजों की फौजों ने घेर लिया, मैं और मेरा एक एक साथी कार्यक्रम के मैदान में मारा जाएगा, किले की दरवाजे खोल दिए गए हैं, जो जिंदा वापस जाना चाहते हैं उनके लिए जिंदगी का दरवाजा खुला हुआ है, मुझे छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन याद रखना इतिहास बुजदिलों की बुजदिली याद रखेगी और बहादुरों की बहादुरी याद रखेगी, और याद रखना कि शेर की एक रात की जिंदगी से गीदड़ की हजार साल की जिंदगी बदतर है, शेर की जिंदगी बदतर। इसलिए आओ, अगर एक रात की शेर की जिंदगी मेरे साथ जीना चाहते हो तो आओ, मैंने तमाम कश्ती
बत्तियां जला दी है, समंदर के किनारे मेरी फौज उतरी है, मैं सारी किश्तियां जला दी है और फौज